करेरा से बड़ी खबर। करेरा पुलिस ने 4 व्यक्तियों को वाहन सहित 750 लीटर ओपी शराब की जब्त। ओपी शराब की सप्लाई कर रहे 2 टैंकर भी किए जब्त। 1 करोड़ की कीमत का माल किया बरामद। पुलिस अधीक्षक रघुवंश कुमार सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन, परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ अभियान के तहत जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश दिए गए। उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भोरिया के निर्देशन में एवं SDOP करेरा संजय चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में शुक्रवार की रात्रि के दौरान थाना करेरा पुलिस को मुखबरी द्वारा सूचना मिली। 2 व्यक्ति अर्बन क्रूजर कार में ओपी शराब लेकर सिल्लारपुर की तरफ बिक्री हेतु आ रहे थे। मुखबरी की सूचना की तस्दीक हेतु हमराही फोर्स की मदद से सिल्लारपुर तिराहे पर चेकिंग लगाई गई। कुछ देर बाद अर्बन क्रूजर कार आती दिखाई दी, जिसे हमराही फोर्स की मदद से रोक कर नाम व पता पूछा तो गाड़ी चलाने वाले ने अपना नाम सत्येंद्र पुत्र धर्मेंद्र यादव, उम्र 26 साल, निवासी ग्राम काली पहाड़ी, हाल राम कॉलोनी घास मंडी ग्वालियर, तथा सीट पर बैठे हुए व्यक्ति ने अपना नाम भरत पुत्र भीकम सिंह सिकरवार, उम्र 22 साल, निवासी द्वारिकापुरी कॉलोनी पुरानी छावनी, जिला ग्वालियर का होना बताया गया। वाद उक्त कार को चेक किया गया तो कार में 15 प्लास्टिक की कैनों में 50-50 लीटर ओपी शराब भरी पाई गई। उक्त व्यक्तियों से या ओपी शराब को जो नहीं होना बताया। आरोपिया का उक्त कृत्य धारा 34-249 का आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाए जाने से 15 प्लास्टिक के गेनों में भरी हुई कुल 750 लीटर ओपी अवैध शराब करीबन 10 लाख रुपए एवं अर्वन क्रूजर कार क्रमांक MP07CK7793 कीमती करीबन 10 लाख रुपए, कुल कीमत करीबन 20 लाख रुपए को जब्त किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से ओपी शराब के स्रोत के बारे में पूछताछ किया गया तो बताए गए ट्रैंकर क्रमांक HP72C5879PB11CR7137 के चालक तसेम सिंह निवासी राजगढ़ पटिया पंजाब व गिरदेव सिंह निवासी देवीगढ़ पटियाला पंजाब से मेरी ग्वालियर से बात हो गई थी कि हम लोग ओपी शराब लेकर ग्वालियर से छिंदवाड़ा जा रहे थे। रात्रि को 2 बजे गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक क्रूजर गाड़ी में सत्येंद्र यादव जो कालीपाड़ी का रहने वाला है तथा भरत सिंह सिकरवार जो ग्वालियर का रहने वाला है, कालीपाड़ी का जो लड़का है वो भी ग्वालियर रहता है, वो दोनों क्रूजर गाड़ी से अवैध रूप से ओपी शराब लेकर करेरा तक आने वाले हैं। उक्त सूचना पर से सिल्लारपुर तिराहे पर दबिश दी गई, इंतजार किया तो कुछ थोड़ी देर बाद एक गाड़ी क्रूजर गाड़ी आई थी जिसको रोका गया। उसके अंदर 15 कैन शराब की ओपी शराब भरी हुई थी। उस संबंध में पूछताछ की गई तो उनके पास कोई कागजात नहीं थे। आरोपी को विरुद्ध धारा 34-249 का में कार्रवाई की गई। जब उससे गहराई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि पंजाब के जो ड्राइवर हैं जो टैंकरों में भरकर ओपी शराब ले जाते हैं, जो ग्वालियर से भरकर छिंदवाड़ा ले जा रहे थे, उनसे संपर्क किया गया। उन्होंने बताया कि हम आपको ओपी शराब दे देंगे, तो उन्होंने अपनी डिलीवरी शिवपुरी में बाईपास पर ली थी और उसके बाद वो चले गए। उसके आधार पर उन दोनों टैंकरों को जब्त किया गया है तथा दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है।